और अब आपको एचआरडी अमित शाह के बारे में बताते हैं, जानिए उनके बारे में। आपको बता दें कि यहाँ पर अमित शाह का जन्म जो है वो 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर तो एक व्यापारी के घर पर हुआ था। अब इसके बाद बात करेंगे, राजनीति में आने से पहले वो मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि किस तरह से वो बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। वहीं 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। तो इसके बाद ये भी हम आपको बता दें कि 1983 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े थे। और साथ ही ये भी हम आपको बता दें कि शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला था 1991 में, उनको पहला बड़ा मौका मिला था राजनीतिक में। और अब ये बता देते हैं आपको कि यहाँ आड़बाड़ी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा भी यहाँ पर संभाला था। और दूसरा मौका की अगर बात करें यहाँ पे तो 1996 में ये दूसरा मौका जब उन्हें मिला था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया था। फिर उसके बाद अगर बात करें 2003 से 2010 तक की तो उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फिलहाल अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आपको ये बता दें कि फिलहाल वो अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अमित शाह अभी गुजरात के राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ये हम आपको अमित शाह के बारे में बता रहे हैं कि अब तक क्या चीज़ें रही हैं। और शाह गुजरात के गृह मंत्री और बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं। तो ये हम आपको बता रहे थे कि एचआरडी अमित शाह के बारे में कि क्या कुछ अब तक चीज़ें रही हैं। और गांधी सीट पर उन्होंने 1967 में पहली बार चुनाव हुआ था और इसमें कांग्रेस को विजय भी मिली थी। तो लोकसभा सीट देश की वीवीआईपी सीटों में से एक है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों है गांधीनगर सीट खास, ये भी हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान में समय से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सांसद भी हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी और 1996 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। और गांधीनगर सीट बीजेपी के लिए हमेशा से ही खास है। और गांधीनगर सीट पर 1900 में बात करें यहाँ पर तो पहली बार चुनाव हुआ था और इसमें कांग्रेस को विजय भी मिली थी। तो क्यों खास है गांधीनगर की सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके बाद 1971 के चुनाव में कांग्रेस और 1977 के चुनाव में जनता दल और 1980 में कांग्रेस को जीत मिली थी यहाँ पर। तो क्यों बेहद खास है गांधीनगर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 1989 से बीजेपी लगातार इस सीट पर जीत हासिल करती आई है। और 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी और 1996 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। तो ये सीट क्यों बेहद खास है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और ये वो सीट है जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी 6 बार सांसद भी रहे हैं। और ये वही सीट है और गांधीनगर आडवाणी के राजनीतिक करियर के लिए ये बेहद खास रहा है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि ये सीट क्यों खास है।